हे माई ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू माई चैनल शाइनिंग सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जापनीज लोगों की स्किन देखकर अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं, काश हमारी भी स्किन ऐसी ही होती। आप सब में कौन कौन ऐसा सोचता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ही जापनीज स्किन केयर सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, जिसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन टोन कुछ सेड लाइट हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि इस जापनीज सीक्रेट को लगाने से पहले और लगाने के बाद मेरे स्किन में क्या डिफरेंस है। चलिए इसका प्रिपरेशन प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए व्हाइट राइस लेंगे और इसे अच्छे से धोकर इसमें हाफ ग्लास पानी डालकर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। राइस को व्हाइटनिंग, एंटी एजिंग और ब्राइटनिंग ब्यूटी प्रोडक्ट माना जाता है। राइस फ्लोर, राइस वाटर या राइस, ये सभी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। 2 घंटे के बाद अब एक पैन में इस चावल और पानी को डाल देंगे। अब चावल को पकाएंगे। चावल को तब तक पकाएंगे जब तक चावल अच्छे तरह से पक न जाए। राइस एजिंग को डिले करता है, स्किन के एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब करता है, पोर्स को टाइटन करके स्किन टोन को लाइट करता है, एक्ने ब्लेमिशेस को रिमूव करके स्किन को स्पॉटलेस बनाता है। देखिए, चावल पक गए हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इस चावल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चावल ठंडे हो गए हैं, अब इसे मिक्सी में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट बनके कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच कच्चा दूध डालेंगे। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। दूध में मौजूद यह तत्व आपकी त्वचा पर मौजूद डेड स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है और आपके स्किन पर एक नेचुरल ग्लो लेके आता है। चावल के पेस्ट और कच्चे दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का बन के रेडी है। अब इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालेंगे। कैस्टर ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कैस्टर ऑयल हमारे स्किन टोन को लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैस्टर ऑयल हमारे स्किन से डार्क सर्कल को रिमूव करता है, स्किन पे एक नेचुरल ग्लो लेके आता है। उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल भी हमारे स्किन के लिए उतना ही बेनिफिशियल है जितना कैस्टर ऑयल। ये भी हमारे स्किन पे एक नेचुरल ग्लो लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल को डालेंगे। ये इस मास्क के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, राइस मास्क बनकर रेडी है। इसे एक कंटेनर में डालकर स्टोर कर लेंगे। इस मास्क को मैक्सिमम 1 वीक तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की। इस मास्क को रात में लगाएं। रात में यह मास्क बहुत इफेक्टिवली काम करती है। सबसे पहले अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर ले, उसके बाद इस मास्क को फेस पर अप्लाई करेंगे। किसी भी फेस मास्क को लगाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि फेस मास्क अपने आंखों के आसपास वाले एरिया में ज़रूर लगाइएगा। ऐसा करने से आंखों के आसपास जो भी डार्क सर्कल होते हैं या अनइवन स्किन टोन होते हैं, वो धीरे धीरे लाइट हो जाती है। पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेने के बाद इसे 15 मिनट तक रहने देंगे। 15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से फेस क्लीन कर लेंगे। फेस वॉश यूज नहीं करना है। फेस को क्लीन करने के बाद इसमें मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल है जो कि मॉइस्चराइजर का काम करेगी। इस मास्क को 7 डेज तक लगातार यूज करिएगा। उसके बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाइएगा। 1 मंथ तक कंटिन्यू यूज करिएगा। आपको अपने स्किन में डिफरेंस खुद पता चलेगा। अब बात करते हैं इस फेस मास्क को लगाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा।
इस फेस मास्क को मैंने कंटिन्यू 7 डेज यूज़ किया है। 7 डेज यूज़ करने के बाद मेरे स्किन टोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। मेरे फेस पे छोटे छोटे दाग धब्बे थे, वो बहुत हद तक क्लीन हो गए हैं। ये देखिए मेरा फेस कितना क्लीन दिख रहा है। इस फेस मास्क को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक नई होम रेमेडी के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें।